शुक्रवार को नववर्ष की पूर्व संध्या पर मथुरा में नववर्ष के स्वागत के लिए युवाओं में खासा जोश दिखाई दिया। कोरोना संक्रमण को लेकर बंदिशों के बीच नगर में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। नववर्ष के स्वागत में नए साल को लेकर युवाओं में उत्साह नजर आया और युवा संगीत की धुन पर देर रात तक थिरकते रहे। हालांकि कोरोना के डर की वजह से कार्यक्रम कम हुए, लेकिन वर्ष के अंतिम दिन नववर्ष के स्वागत के लिए युवाओं ने देर रात तक जश्न मनाया। वहीं एक दूसरे को जाने वाले साल और नए साल के स्वागत की सभी ने शुभकामनाएं दी और केक काटा। वैसे तो नववर्ष पर दूर दराज से ब्रज क्षेत्र में श्रद्धालु नववर्ष मनाने के लिए आते हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करते हैं। वहीं युवाओं ने साल के अंतिम दिन और नए साल का देर रात तक केक काटकर स्वागत किया। जैसा कि 2021 जाने वाला है, 2022 आने वाला है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? हमने 2021 को अलविदा किया है और 2022 की खुशी में हमने सेलिब्रेशन किया है। क्या कहेंगे सबके लिए? कि मैं सबको बोलूंगी, सबको हैप्पी न्यू ईयर, थोड़ा ध्यान रखें अपना, कोरोना से बच के रहें, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। क्या नाम है आपका? संतोष। जैसा कि 2022 आ रहा है और 2021 जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? 2021 जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल में सब घर में बोर हो गए और आने वाला 2022 न्यू ईयर हम लोग अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और कामना है कि इस कोरोना काल की जो संभावना है आने की, उसमें सब अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और विश्ववासी देशवासियों को क्या कहेंगे? सबसे मैं यही कहूँगा कि सब अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने वालों का ध्यान रखें और ऐसे ही इन्जॉय करते रहें जिससे कि 2022 खूब सुख में रहे, आनंद में रहे। राधे राधे।